उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के विधानसभा क्षेत्र नौगावा शादात में पूर्व कैबिनेट मंत्री और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर चेतन चौहान की पत्नी और भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी संगीता चौहान के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने आए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का मंच पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने सपा बसपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जितना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है उतना काम सपा बसपा और कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में नहीं किया। साथ ही कहा कि आगे भी हमारी सरकार जनता के हित के लिए ऐसे ही कार्य करती रहेगी। लेकिन मेरी आप सबसे अपील है कि संगीता चौहान जी को रिकॉर्ड वोटों से जो विरोधी सपने देख रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति, जातिवाद की राजनीति, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी की राजनीति करने वाले, उनको करारा जवाब आप 3 तारीख को कमल के फूल की बटन को दबा करके देने का काम करिए। या मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, कांग्रेस वाले भी जानते हैं, इन्होंने लंबे समय तक देश और प्रदेश में शासन किया, देश और प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया। 60 साल में कांग्रेस केंद्र में कुछ नहीं कर सकी, वो मोदी जी के 6 साल पर सवाल खड़ा करती है। और मैं दावे से कहता हूं, इस सभा में जो आए हैं वह भी, और जो सभा में नहीं अभी आज आए हैं वह भी, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के माध्यम से किसी ना किसी योजना बसपा, वो 15 साल का हिसाब नहीं देंगे, 3 साल के बारे में हमसे पूछते हैं। अरे हम 3 साल के बारे में अगर एक केवल उत्तर दे कि तुमने 15 साल में केवल गुंडागर्दी, माफियागिरी, अपराध और भ्रष्टाचार किया है, और हमारी सरकार आने के बाद गुंडागर्दी के खात्मे से लेकर के माफिया गिरी का अंत करने से लेकर के भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने से लेकर के देश बनाने से लेकर के किसी भी क्षेत्र में हमने कोई कमी छोड़ना शेष नहीं रखा। लगातार केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में इतना काम किया, दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा नहीं हुआ, धारा 370 से लेकर के श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण सहित अनेक ऐसी योजनाओं का शुभारंभ हो गया। तो अगर ये लगातार 5 साल, 10 साल, 15 साल बने रह गए तो इनकी तो दुकान ही बंद हो जाएगी, कोई नानी के घर चला जाएगा तो कोई कहीं चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा। जरूर बता सकता हूं कि नौगांव विधानसभा क्षेत्र को विकास के उच्च कीर्तिमान तक पहुंचाने के लिए आदरणीय चेतन चौहान जी का सपना था, उसे साकार करने का जो भी अधूरा कार्य बाकी है उसे पूरा करने के लिए 3 तारीख को श्रीमती संगीता चौहान जी को विजयी बनाने के लिए कमल के फूल के सामने वाली बटन दबाने, कमल के फूल के सामने वाली बटन दबाने, और 10 तारीख को उनकी गिनती। हमारे बहुत परम मित्र हैं लक्ष्मी जी, न साइकिल में बैठ करके आती हैं, न हाथी में बैठ के आती है, न पंजे में बैठ के आती है, लक्ष्मी जी कमल के फूल पर बैठ करके आती है। और यह जो भी सपने देख रहे हो, ये अलग अलग लड़े और चाहे मिल करके लड़े, यह दलितों का विरोध करें, पिछड़ों का विरोध करें, या समाज को लड़ाने की कोशिश करें, इन विरोधियों की कोई भी साजिश सफल होने वाली नहीं है। और आने वाले 30 साल तक जो भी विरोधी हैं सुन ले, मुझे तो लगता नहीं है दूर दूर तक कि उत्तर प्रदेश में कमल को खिलने से रोकने की इनकी कोई भी साजिश काम नहीं करना चाहते। जमीन पर इनके पास कुछ है क्या, बताओ? आपस में लड़ाने भड़काने कुछ है क्या इनके पास इसके अलावा? लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हमारा एक एक कार्यकर्ता बूथ पर एक जिम्मेदार कार्यकर्ता के रूप में मोर्चा संभाल करके खड़ा है और समाज का पूरा समर्थन मिल रहा है। इसलिए मैं आप सबको यह आह्वान कर रहा हूं कि 3 तारीख को जाइए, सब कुछ भूल
याद रखिए नरेंद्र मोदी और कमल का फूल। इतना ही निवेदन करके 10 तारीख को विधायक बना करके भेजने की जिम्मेदारी लेकर चुनाव में जो हमने भाई चेतन चौहान को 5 साल का वक्त दिया था आप लोगों ने सेवा करने का, आज जो 1.5-2 साल, आप सबसे कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, घर पहुँचते या 15 मिनट में दे दूंगा। मैं बड़ी बात केस में देखा तो 2014 के बाद में देश के अंदर कितना बदलाव आया है। सब भाई ने जो तरक्की करी है वो सभी को मालूम है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 से जब आप लोगों ने जिस तरीके से मायावती जी ने बोला भाजपा को समर्थन दिया है, 7 सीट भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में जीत गई। जिस तरीके से मायावती जी ने भाजपा की बात कही है समर्थन देने की, तो क्या आगे भी 2000? अरे वो बुआ भतीजे की लड़ाई है, भाजपा को बीच में ला रहे हैं। अमरोहा से केकेडी न्यूज संवाददाता मुजम्मिल हुसैन की रिपोर्ट।